गाइज वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम है सदा, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिबा इनू की वेबसाइट के ऊपर। अगर आपने देखा होगा एक टाइमर चल रहा है और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि वो टाइमर आखिर क्या चल रहा है, क्या शिबेरियम ब्लॉकचेन आने वाली है या फिर कौन सी नई न्यूज आने वाली है। और यहाँ पे लोग बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं। लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि और फंड से अपना पैसा निकाल के और क्रिप्टोस से अपना पैसा निकाल के सारा का सारा पैसा जो है शिबा के अंदर डाल रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसके अंदर पंप आएगा। आखिर पूरी न्यूज क्या है, चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको पूरी न्यूज बताते हैं। अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे shibatoken.com जो इनकी वेबसाइट है उसके ऊपर यहाँ पे 13 घंटे 36 मिनट के बाद जो है कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। जी हाँ, कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट होगी, कोई गारंटी यहाँ पे जो है मैं नहीं दे रहा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट होनी है तो इतनी बड़ा कोई जो है हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा। और उसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो 35% गिरा हुआ है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट जो है वो यहाँ पे नेगेटिव में चल रही है। अगर आप बिटकॉइन का प्राइस देखोगे तो बिटकॉइन का प्राइस जो है $16,700 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है। पिछले 7-8 दिनों से, पिछले एक हफ्ते से अगर आप बोलोगे तो इसी रेंज के अंदर 16 से 17 हजार के अंदर जो है बिटकॉइन का प्राइस ट्रेड कर रहा है। टोटल मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 850 बिलियन से 800 बिलियन पे अभी आ चुकी है। और यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर आप देखोगे तो 39.9% अभी बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो चल रही है। लेट्स बैक टू शिबा टोकन। यहाँ पे अगर हम देखें शिबा इनू के ऊपर बात करें तो यहाँ पे कोई इतना बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बाय द र्यूमर्स सेल द न्यूज। यहाँ पे अगर हमें ऐसा करना है तो यहाँ पे हमें कोई मूवमेंट जो है अभी शिबा इनू के अंदर नहीं देखने को मिल रही। हाँ, अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट आती है उसके बाद जो है हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई ऐसा माहौल बनता हुआ नहीं दिख रहा क्योंकि अभी सारी की सारी मार्केट जो है वो नेगेटिव में चल रही है। तो मैं कोई ऐसी फालतू की उम्मीद जो है वो आपको नहीं देना चाहता। तो इस वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बिटमार्ट की फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में। अगर आपका बिटमार्ट पे अकाउंट नहीं है, आप नए कॉइन्स को बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आप बिटमार्ट पे जरूर अकाउंट बनाएं। और अगर आप इसके फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे दो पेयर्स आपको मिल जाएंगे, एक यूएसडीटी में पेयर मिलता है, दूसरा कॉइन्स में पेयर जो है आपको मिलता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यूएसडी फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में। तो यहाँ पे अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे दो तरह की चीजें मिल जाती हैं आपको, आइसोलेटेड और यहाँ पे क्रॉस। आइसोलेटेड में क्या है, जितना फंड आप एक करंट ट्रांजेक्शन को एलोकेट करोगे उतना ही यूज होगा, क्रॉस में आपका सारा का सारा जो है यहाँ पे यूज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप 100x तक जो है यहाँ पे लेवरेज ले सकते हो, जितना कम लेवरेज होगा उतना रिस्क कम होगा। मैं रेकमेंड करता हूं 5x से 3x क्योंकि अभी मार्केट जो है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल चल रही है। और उसके बाद अगर आपको ट्रेड ओपन करनी है, अगर आपने लॉन्ग करना है, अगर आपको ये लग रहा है कि अभी बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा $17,000 या फिर $17,500 के आसपास जाएगा तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो। और अगर आपको ये लगता है कि शॉर्ट करना है, मतलब प्राइस नीचे जाएगा, तो आप यहां से शॉर्ट भी करोगे। जिस तरह नाम ही फ्यूचर्स ट्रेडिंग है तो आपको फ्यूचर्स प्रेडिक्ट करना है कि फ्यूचर में जो है आने वाले 1 घंटे या 2 दिन में इसका प्राइस जो है कहां तक जाएगा। बिटमार्ट के पे अगर आपका अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर अकाउंट बनाइएगा। और अगर आप हमारे रेफरल लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको जो है यहाँ पे बोनसेस में मिलेंगे और उसके साथ साथ ट्रेडिंग फी जो है वो भी कम लगेगी। बिटमार्ट का यहाँ पे ट्विटर और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं शिबा टोकन के बारे में। 13 घंटे 33 मिनट रह चुके हैं लेकिन हमें प्राइस के अंदर कोई मूवमेंट दिखने को नहीं मिल रही। यहाँ पे हालांकि प्राइस नेगेटिव में चल रहा है, अगर किसी भी प्रोजेक्ट की इतनी बड़ी कोई न्यूज हो तो उसका प्राइस पंप होना चाहिए चाहे मार्केट किसी भी हाल में हो। और अगर हम रैंक की बात करें तो 14 रैंक है। अब बात करते हैं कि शिबा इनू को आपको अभी शिबा इनू में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये टोटली आपके ऊपर रहेगा कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना। मैं पर्सनली जो है अभी शिबा के अंदर जो है बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, शायद ये न्यूज कुछ इंपैक्ट डाले, शायद ये न्यूज जो है यहाँ पे शिबा इनू के प्राइस को, शिब टोकन के प्राइस को जो है ऊपर लेके जाए अगर बहुत बड़ी कोई न्यूज होती है। लेकिन यहाँ पे हाइप एज सच हमें बनती हुई नहीं दिख रही। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे मेटावर्स भी जो है इनका लाइव हो चुका है वहां पे आप, उसके बाद अगर आप देखोगे शिबा के ऊपर 2022 में जो है बिटकॉइन और इथेरियम के बाद सबसे ज्यादा अगर टोकन किसी ने
जो है देखा है वो है शिबा इनू टोकन, शिब टोकन। तो शिब टोकन के जो भी यहाँ पे जो लोग हैं जो शिबा टोकन की कम्युनिटी है, वो सारे लोग जो है इससे ज्यादा खुश हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे, आ स्पेशल शिबा टोकन डॉट कॉम काउंटडाउन हैज बिगन, प्लीज अलाउ डीएनएस टू प्रोपेगेट करेक्टली इन केस द वेबसाइट इज लोडिंग, ब्लैंक पर्सन यूजर्स ट्राई रीलोडिंग अगेन इन फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पे ए डिसेंट्रलाइज मीम टोकन दैट इवॉल्व इन टू अ वाइब्रेंट इको सिस्टम। तो यहाँ पे एक बड़ी न्यूज ये हो सकती है कि यहाँ पे शिबेरियम ब्लॉकचेन को लाया जाए। तो देखते हैं क्या न्यूज है, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। और अगर हम प्राइस प्रिडिक्शन की बात करें तो शिबा इनू मुझे नहीं लगता है यहाँ पे नेक्स्ट बुल सीजन तक 2-0 से ज्यादा किल कर पाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैक्सिमम अगर इसने प्रॉफिट दिया 10x से 20x प्रॉफिट दे सकता है। अभी के टाइम में ना तो ये 1 सेंट तक जाएगा, ना ही $1 तक जाएगा, और ना ही मुझे लगता है कि इसका प्राइस 1 रुपए तक, अभी शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ 2023 में, मुझे नहीं लगता कि इसका प्राइस इतना अप जा सकता है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे इसकी मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, और उसके साथ साथ इसकी सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, टोटल सप्लाई अगर आप यहाँ पे देखोगे। और उसके साथ अगर इसको जो है यहाँ पे 1 रुपए या $1 या फिर 1 सेंट के आसपास जाना है, तो बहुत ह्यूज बर्निंग जो है वो इसको करनी होगी, और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी यूटिलिटी इस टोकन के अंदर लानी होगी। सो यही थी आज की इस वीडियो। तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी गलत स्टेप मत लीजिएगा। आप अगर और कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पोर्टफोलियो को अगर आपने यहाँ पे मैनेजमेंट की हुई है, मतलब 4, 5 या 10 प्रोजेक्ट्स आपने उनमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो सारे सेल करके लालच में आके किसी एक ही प्रोजेक्ट में, क्योंकि उसकी न्यूज आ रही है, उसमें मत इन्वेस्टमेंट करिएगा। ये गलती कभी मत करिएगा। तो आपका क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप क्रिप्टो टीवी इंडिया चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है सदा, आप देख रहे थे क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।